राइट, ठीक यस सर। है, वाई क्यों करते थे ऐसा? लेड को कवर सर करके। हाँ अंडरग्राउंड, हाँ बोलो, हाँ पहले से बोलो, बताओ क्या बोल रहे थे। सर क्योंकि वो जो रेडिएशन है उसको रेजिस्ट कर सकता है जो उसमें से निकलेगी। ठीक है, एक्चुअली वो लेड हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशंस जो इमिट करते थे कौन? अंडरग्राउंड टेलीफोनिक केबल्स। ठीक है, और इसीलिए हम इसका एक और चीज में यूज करते हैं, एक्सरे और गामा रे प्रोटेक्शन में, वहां पर प्रोटेक्शन स्क्रीन बनाने के लिए, प्रोटेक्टिव स्क्रीन बनाने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है? लेड का। Got it? फिर अलोय बनाने के लिए भी काम आता है, बोलो। तो अलोय में क्या क्या चीज हमने नोट की सर एलोय में सोल्डर और टाइप मेटल था। थी? ठीक है, तो उसके बाद आज हम जो मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले दैट मेटल इज कॉल्ड सोडियम। ठीक है, ये इस मेटल के बारे में वैसे हमें काफी जानना है, काफी कॉमन है, इसके बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में सोडियम के बारे में हम बहुत बार रिएक्शन बहुत बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज सर ऑब्वियस सी बात है, सोडियम कैसा दिखता है? सोडियम इज अ सॉफ्ट व्हाइट मेटल। कैसा मेटल है ये? सोडियम इज अ सॉफ्ट व्हाइट मेटल। तो सोडियम कैसा है? एक तो सॉफ्ट है और दूसरा व्हाइट मेटल है, इसका कलर कैसा दिख रहा है? व्हाइट मेटल। दूसरा एक और खास बात चल रही, दूसरी बात हम करते थे डेंसिटी की, किसकी करते हैं? डेंसिटी की। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ सोडियम, सोडियम की डेंसिटी होती है 0.6968 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है सोडियम की बताओ? 0.96 ग्राम। हाँ, अब आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर? कितनी होती है वॉटर की डेंसिटी बताओ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर नमन? सर डेंसिटी ऑफ व्हाट? वॉटर, सर पानी की वॉटर डेंसिटी कैसे? सर डोंट नो। ओके नो प्रॉब्लम। बाकी सब तनुष, पीहू, प्रियांशु, सभी को तो यस पता बहुत सर। इजी है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर? वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहां पर आप चेक करोगे व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सोडियम, सर 0.968 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सर वाटर की। वॉटर सर की डेंसिटी। वाटर। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा सर? वो नीचे जाकर चला जाएगा, विच मीन्स अगर किसी की डेंसिटी वॉटर से ज्यादा है तो वो वॉटर के अंदर सिंक कर जाएगा, यानी डूब जाएगा। और वहीं पर अगर यस सर। किसी की डेंसिटी वॉटर से कम है, इसका मतलब वो क्या करेगा? सिंक कर जाएगा या फ्लोट कर जाएगा? फ्लोट करेगा। बिल्कुल सही। तो यहां पर आप एक बात याद रखना, सोडियम मेटल फ्लोट करता है। अगर आप सोडियम का पीस डाल दोगे वॉटर के ऊपर तो वो सरफेस पर घूमता रहेगा, फ्लोट करने का रीजन पता चला। बाकी सब मेटल्स की आप देखोगे, लेड, मैग्नीशियम, बाकी जितने मेटल है सबकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है। यस दैट्स व्हाई जब यस उनको यस पानी में सर। ऐड करते हैं दे विल सिंक, क्या कर जाएंगे वो? डूब जाएंगे। ठीक है, याद है बात समझ में? पहली चीज डेंसिटी सिंक यस सर, करेगी, क्लियर है सर। जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा
वो क्या करेगा, सिंक करेगा, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम वो फ्लोट करेगा, ठीक है? ओके सर। तो अब दूसरी बात, आप सबने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है रिएक्टिविटी सीरीज, यस सर पढ़ी है। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम कहां पर आता है? सर पोटेशियम के बाद आता है, सेकंड नंबर पे। पोटेशियम के बाद नहीं, ये हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव मेटल है? सर हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव क्या करते हैं, दूसरे मेटल को हटा देते हैं उनके कंपाउंड से, यानी ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करेगा? तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सोडियम इज यूज्ड एज कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, और हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा, सर ऊपर जाने पर बढ़ता है। ओके सौम्या, ठीक है, बाकी सबको समझ में? यस सर समझ आ गया। यस सर, इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए सर, दूसरे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, इन द एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स में भी यहाँ पर दो मेटल्स को खासकर हम सोडियम से यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूरेनियम और दूसरे को बोलते हैं हम क्या, टाइटेनियम। तो इन दोनों मेटल को निकालने के लिए हम किस मेटल का यूज करते हैं, सोडियम मेटल का। सर इन मेटल्स के लिए तो मैग्नीशियम का भी यूज किया जाता है रिड्यूसिंग, तो वो भी तो क्या था, हाईली रिएक्टिव ही था, वो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा था, यस नो? अगर हमको मैग्नीशियम नहीं मिलता तो हम कौन सा मेटल यूज करेंगे, सोडियम यूज करेंगे। सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो वो सिर्फ इन दो के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए, कि वो और के एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज करा जा सकता है। और के लिए जिसका हमको देखो यूरेनियम, यूरेनियम के बारे में एक बात खास याद रखना, यूरेनियम इज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है, वहां पर यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है यूरेनियम की, तो हमें भी यूरेनियम चाहिए, तो यूरेनियम को निकालना तो पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मेरे पास यूरेनियम होगा तभी तो मैं उसका यूज करूंगा, यस नो? तो वही चीज हम कर पाएंगे, ठीक है? तो सर कहां से करते हैं हम यूरेनियम और ये ऐसे मिनरल्स से, इनसे मिनरल्स और ओर, ठीक है? यानी ऑब्वियसली बात है कि ऐसा अर्थ है, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे okay. मार्बल निकालते हैं, मार्बल कहां से मिलता है, माइनिंग करते हैं तो मार्बल के लिए, यस सर, खुदाई वगैरह करते हैं, ऐसे ही हम इनके लिए भी खुदाई करते हैं, और जैसे ये मिल जाते हैं इनको फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आप सोडियम इज यूज्ड किस लिए यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज किया जाएगा एज ए लैब रिएजेंट, ठीक है सर? रिएजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं सोडियम को, कहां पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो सर ये ऑर्गेनिक कहां से आ गया, कुछ कोई कंट्रीब्यूशन किसी का, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं ही बताऊं, चलो पहले पर भी अटक के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा याद रखना, दोस केमिकल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो केमिकल हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं या उनके ऑर्गन से मिलते हैं, ऑर्गन से मिलते हैं बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या और सिंपल वर्ड में अगर आपको पूछा जाए तो सिंपल बोला तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स
एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी उसी कार्बन कंपाउंड से जो बनते हैं। उस समय आया, पहली चीज ये कहां से मिलते हैं, जब इनिशियली हमको पाया गया था तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड आते हैं वो हमको मिलते थे प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गन से, ठीक है। इस केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। सॉरी सॉरी, इतना पहले तो आवाज देखो, रियाई सुन रहे आपकी, थोड़ा लाउड बोले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नमन, जो वो आपने वहाँ लास्ट में क्या लिखा है सर, एंड इट्स के बाद क्या लिखा है सर? डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, DERI, मतलब डेरिवेटिव यानी कार्बन के कंपाउंड से जो जुड़ के बनेंगे या उससे फर्दर जो बनेंगे, ठीक है। ओके, हाँ सौम्य, आप कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कह रही थी कि हमें प्लांट से जैसे सेल्यूलोज मिलता है तो सर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाँ, सेल्यूलोज भी तो क्या है, केमिकल है। ये सुनो, सेल्यूलोज के अंदर मेन कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है? अगर आपके पास आपसे पूछा जाए सेल्यूलोज के अंदर मेन कंपोनेंट होता है ग्लूकोज, जिससे सेल्यूलोज बनते हैं, और ग्लूकोज के अंदर फॉर्मूला C6H12O6, ये क्या है, यहाँ पर छह कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, कार्बन। तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हर केमिकल है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। हाँ, तभी तो बोला ना कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। यस सर, ओके सर। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डे टू डे लाइफ वाला, ताकि आप रिलेट कर पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रहा था। किस किस को मधुमक्खी ने काटा है? सर मुझे काटा है, यस सर, तो मुझे नहीं काटा, ठीक है। चींटी ने तो काटा है, मुझे भी आज तक कभी नहीं काटा। हाँ सर, चींटी ने काटा है। चींटी ने काटा तो काटा, चींटी ने तो बहुत बार, यस सर, ठीक है। ऐसा पेन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब चींटी तुमको काटती है वो तुम्हारे स्किन पर एसिड रिलीज करती है, एसिड, वो जो एसिड रिलीज करती है, यस सर, वो एसिड का नाम है, ठीक है। उस एसिड का नाम है क्या? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला देखते हैं HCOOH OOH, यस सर, कार्बन है, ठीक है, कार्बन का कंपाउंड है, यस सर, आया सर में। तो जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम को यूज करते हैं एज अ रिएजेंट। कैसे यूज करेंगे? रिएजेंट के तौर पर यूज करेंगे, काफी काफी सारे केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। किसको ये बात समझ में आ गई? ग्रीन वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं, जैसे कि स्पिनच होता है तो उनमें भी एक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है शायद, तो उसमें भी कार्बन होता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, हाँ बिल्कुल। आप नींबू खाते हैं, नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, मौसमी के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, ये सारे के सारे क्या है, एसिड है, और इन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के कंपाउंड है। तो ये सब के सब क्या है सर, प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं, तो ये किस कौन से केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में? यस सर। आप सबने एक वर्ड जरूर रोज सुना होगा, विनेगर, या सिरका बोलते हैं इसको, यस सर, सुना है सर, कार्बन कंपाउंड है,
सारे कार्बन कंपाउंड है हमने तो पढ़े नहीं, जितने कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड है, करोड़ों से ज्यादा इसके कंपाउंड कार्बन के, इसलिए इसकी पूरी अलग से केमिस्ट्री बनाते हैं हमने भाई, तो अलग से पढ़ रहे थे ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ते हम तो इसका ठीक है। चले आगे बता दो इस चीज को देखने वाले को सर, पूरा बोर्ड रफ कर दीजिए सर, सब लिख दिया, सब लिख लिया यस सर, यस सर सब नोट कर लिया। चलो आ जाते हैं, तो अब हम बात करेंगे किसकी, सोडियम की। तो सोडियम का इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड इन, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस नो, एज लैब रिएजेंट, कैसे करेंगे सर, लैब रिएजेंट के तौर पर इसका यूज करेंगे ठीक है। आप सब चीज घर में आता था पहले, तो वोडका बल्ब येलो लाइट वाला आता था, यस यस नो, उसके अंदर एक गैस फिल की जाती थी, उसके अंदर क्या फिल किए जाते हैं, वेपर्स, तो वो जो वेपर्स थे वो कौन से मेटल के है, सोडियम मेटल के वेपर्स उसके अंदर फिल किए जाते हैं ठीक है। ओके सर, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसके अंदर सर इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी वेपर, सोडियम की वेपर, किसके बारे में पढ़ते हैं, तो सोडियम के बारे में पढ़ेंगे, तो सोडियम की ही वेपर लेंगे सर, ओके सर ठीक है, यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोडियम की वेपर्स डालने से, सॉरी सोम्या सर, तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में सोडियम के वेपर्स क्यों डालते, तो इससे क्या होता था, सोडियम के वेपर्स अब एक बार मेरे को भी कंफर्म करना पड़ेगा, वैसे जितना मेरे को याद आ रहा है अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता था और हम नहीं चाहते थे कि अंदर के जो मेटल्स रहते थे वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर गए, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर फिलामेंट था, बहुत ज्यादा हीट करता था ठीक है। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा, अभी आपको इतना ही जानना ठीक है सोम्या, ओके सर, हाँ। तो इसका यूज किया जाता किसमें, एमलगम बनाने में, तो ठीक है एमलगम बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ता था सोडियम मेटल सर, एमलगम मरकरी और सोडियम मेटल जब जुड़ जाते थे तो वो बनते थे एमलगम ठीक है, इट इज यूज टू प्रिपेयर दी एमलगम ठीक है, तो एमलगम बनाने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है सर, सोडियम का ठीक है, विच इज एन रिएजेंट, यानी ये भी एक क्या है, रिएजेंट के तौर पर हम रिएक्शन के में यूज कर सकते हैं इसको, एमलगम को मरकरी के साथ में रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है क्या, ये चीज सोडियम मरकरी एमलगम, और इस एमलगम को हम एज अ रिएजेंट केमिकल के तौर पर यूज कर सकते हैं सोडियम को प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर हम सोडियम लेके जाएंगे मेटल मतलब केमिकल एज अ केमिकल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं ओके ठीक है। अब यहां तक हमारे सोडियम का कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करेंगे आयरन के बारे में,
आयरन मेटल के बारे में। डे टू डे लाइफ में हम आयरन मेटल बहुत ज्यादा देखते हैं, हमारे चारों तरफ आयरन मेटल काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट? तो सबसे पहली चीज आयरन मेटल के बारे में, पहले इसके बारे में नोट कर लो, फिर हम आयरन मेटल के बारे में जानेंगे। नोट हो जाए तो बता सर, और सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह में कंस्ट्रक्शन आयरन यूज होता है, आयरन का यूज होता है। पहले तो आयरन का कलर बताओ सर, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है क्या? हाँ, रेडिश ब्राउन। फिर क्या? आयरन मेटल का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, बिठा दो उसको सर। यस, कर दीजिए पूरा बोर्ड। ठीक है, अब हम कौन से मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं? आयरन। ठीक है, आयरन खाते हो ना? बताओ, आयरन लेते खाते हो? खाने में हाँ सर, आयरन एक वो रहता है सर, जो सर बॉडी बनाने में आयरन तो खानी पड़ेगी। ठीक है, तो या आयरन के रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी बॉडी का, बट उसकी बात नहीं कर रहे। पहले हम बात करेंगे आयरन, आयरन का कलर सर, ये कैसा कलर था? ये था रेडिश। कैसा है? रेडिश ब्राउन मेटल। जब रेडिश ब्राउन मेटल पता चल चुका है, तो दूसरी बात तो हम उसकी डेंसिटी भी जान लेंगे। जब हमने सारे मेटल की डेंसिटी तो डिस्कस की है, इसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगी सर, ज्यादा। बिल्कुल सही सर, वाटर की डेंसिटी, क्योंकि आयरन का कोई को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो सिंक कर जाता है, विच मींस इसकी डेंसिटी 1 से तो ज्यादा है। कितनी है? 7.8687, 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो समझ में yes, अब पहला पॉइंट तो आप सबने क्लियर पहले ही बता दिया सर, यूज्ड इन मेकिंग जो गाड़ियों के, गाड़ियों का कवर आउटर बॉडी बनाने के लिए, ट्रक के आउटर बॉडी बनाने के लिए, वैंस के आउटर बॉडी बनाने के लिए, इवन जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो बीम्स होते हैं उनके अंदर भी आयरन रोड लगाई जाती है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, राइट? यस सर। तो यूज्ड टू मेक बॉडीज ऑफ बॉडीज, अंदर की चीजें तो आयरन से ही बनती है। यूज्ड टू मेक कार्स, ट्रक्स एंड वैन। ठीक है, ये सारी सारी चीजें बनती है। ये भी लिख लो, एंड ऑल्सो इन बिल्डिंग सपोर्ट्स, ये सुनो। यस सर, सर बिल्कुल। तो अभी हमने काफी मेटल्स के अलॉय पढ़े थे, क्या आयरन मेटल का कोई अलॉय जानते हो सर? हाँ, आयरन मेटल का एक अलॉय तो हमको याद है, बट हाँ तनुष बताओ। ऑब्वियस सी बात, स्टील। स्टील है क्या? हाँ, स्टील इज द आंसर। हाँ सर, कार्बन के साथ, नहीं? बिल्कुल सही सर, कार्बन और आयरन के अंदर कार्बन को ऐड करते हैं, वी विल गेट अलॉय जिसका नाम हम स्टील पढ़ते हैं। यस, यूज्ड इन मेकिंग स्टील्स। मैंने हमारे घर में जो स्टील के बर्तन है, एक्चुअली वो किसके बर्तन है सर? आयरन के ही बर्तन है। आयरन के बर्तन है, बस उसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखे है, किसके आइटम ऐड कर रखे है? कार्बन के। ये अलॉय है, अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है,
जाते हैं, सबको समझ में? ओके सर, सर क्लियर सर। सर स्टील स्टेनलेस स्टील अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कंपोजिशन का। चलो आ जाओ, अब हम बात कर रहे थे। अब देखो जो हमारे पास एरोप्लेन्स होते हैं, जो हमारी जो बड़ी बड़ी वॉरशिप्स बनती हैं, ये सुनो हमारी वॉरशिप्स रहते हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी बड़ी वॉरशिप बनाने के लिए कौन से मेटल की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज्यादा, बताओ? सर आयरन से ही बनाए जाएंगे, यूज टू मेक एरोप्लेन्स एंड वॉरशिप्स, राइट। इवन जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस स्टाफ काफी सारी जो कंपनी होती है उनके अंदर, ऑफिस सप्लाईज में भी, ऑफिस सप्लाईज यानी जो स्टेपलर्स होती है या नेल पिन पिन होती है जो पिन लगाते हैं, इवन जो पेपर क्लिप होती है वो भी किससे बनती है? सर आयरन से बनाई जाती है, आयरन से, ठीक है। किससे बनाई जाती है? आयरन से, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, किसकी यूजेस थे? आयरन के, आयरन के। अब हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले डिस्कस किया था कि खाने में हम आयरन लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए क्या हो सकती है? यस सर, ठीक है। आप सबको पता है हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, राइट? यस सर। और हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, फिर से बताओ? यस सर, नहीं सर जरूरत नहीं। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉरी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। अगर बाय चांस हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो हमको कौन सी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी हो जाएगी? सर डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, एनीमिया बीमारी, हाँ बिल्कुल एनीमिया हो जाएगा हमको, ठीक है। ये कब होता है? deficiency of iron in blood, तो कौन सा डिजीज होगा? अनीमिया, ठीक है। यहां तक सबको समझ में? सौम्य मुस्कान, हाँ सर बहुत हो गए, अब बहुत ज्यादा मेटल्स के बारे में डिस्कस किया। अब कुछ ऐसे मेटल भी डिस्कस करते हैं जो आपने देखे भी हैं, जैसे कॉपर मेटल, इसको मिटा दूं? सर लास्ट पॉइंट सर, देख लो एक बार, हो जाए तो बता देना। सर डन, तो सबसे पहली बात कॉपर मेटल का कलर कैसा होगा? थोड़ा पिंकिश रेडिश टाइप का, बिल्कुल सेलमन पिंक कलर्ड मेटल होता है, ठीक है। सेलमन पिंक कलर्ड मेटल होता है, ऊपर से जब हम डेंसिटी बात करेंगे, क्या कॉपर मेटल पानी के अंदर डूब जाता है या नहीं डूबता?
और डूब जाता है। यहाँ पर तो दो ओपिनियन आ गए, एक ने बोला डूब जाता है, दूसरे ने बोला नहीं डूबता, किसका माना जाए? चलो मैं आपको डेंसिटी लिख देता हूँ और आपने हमें बताया कि केटीएस ने सही बोला। किसने सही बोला? सर नहीं डूबता, नहीं डूबता सर, आपने 8.9 लिखा है। हाँ 8.9 लिखा है, 8.9। अब बताओ सौम्या, डूबता है नहीं डूबता? सर डूब जाता है। डूब जाता है, क्यों डूब जाता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी किससे ज्यादा है? वाटर से ज्यादा है। बिल्कुल सही। कॉपर के बारे में हम सब जानते हैं, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घर में जितने भी वायर्स होते हैं उनके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कॉपर। तो किस में लिखा है यहाँ पर? यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स केबल्स एक्सेट्रा एंड इवन कॉपर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। ये सुनो, फिर हमको तो पता ही है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज क्या होता है, हीट भी होता है। तो यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है तो सर वायर बनाने के काम आएगा, केबल बनाने के काम आएगा। वहीं पर अगर ये हीट है, हीट को भी अलाउ कर अपने थ्रू पास करने के लिए, तो क्या बर्तन बनाने के भी तो काम आता है? यस सर। यस, और बर्तन को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक यूटेंसिल्स। बर्तन को क्या बोलेंगे यहाँ पर? सर यूटेंसिल्स। क्लियर? आपको समझ में आया? सर कॉपर मेटल का यूज किया जाता है काफी सारी चीजों में। तो काफी सारी चीजें लाइक कॉपर मेटल का यूज किया जाता है अलॉय बनाने के लिए। काफी सारे अलॉय बनाए जाते हैं किस मेटल से? कॉपर से। सर ब्रास बनाया जाता है शायद कॉपर और जिंक से। बिल्कुल सही, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, बेल मेटल, ये सारे के सारे क्या है? अलॉय है, जिसके अंदर किसका यूज किया गया है? कॉपर मेटल का यूज किया गया है। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूज टू फॉर्म अलॉयज। कौन कौन से? ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, उसके अलावा बेल मेटल। आप सब पूछोगे सर बेल मेटल क्या होता है? जिससे वो घंटे नहीं बनती, बंदर में बनती है घंटे, आप बचती है, बताओ। यस सर। तो वो होता है बेल मेटल। ये सारे सारे क्या है सर? अलॉय है। क्या है? अलॉय। किसके अलॉय? कॉपर मेटल के अलॉय। इन सभी मेटल्स के अंदर, इन सभी अलॉय के अंदर कॉपर मेटल का यूज किया गया है। ठीक है सर, यूज हो गया, चलो अच्छी बात है। आप सबने देखा होगा कॉपर मेटल के पुराने जमाने में कॉइन्स बनते थे,
क्या बनते थे? कॉइन्स। यस यस सर। सर आपने एसएसटी में जरूर पढ़ा होगा, एसएसटी में कॉइन बनते थे। इवन कॉपर मेटल्स के ज्वेलरीज भी बनाए जाते थे और साथ के साथ डेकोरेटिव आर्टिकल्स में भी कॉपर मेटल का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता है? कॉपर मेटल का। बट आपको मैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ और आप सबने देखा भी होगा। चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ पहले, तो आपको पता है कि नहीं है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो आप सब जानते होंगे जब भी हम सुनार के पास जाते हैं, गोल्ड स्मिथ के पास, तो वो हमको सोना दिखाता है, राइट? यस सर। ऑब्वियसली बात है सर, वो तो सोना ही दिखाएगा, सुनार है तो सोना ही दिखाएगा। बट वो आपको दिखाता है 24 कैरेट गोल्ड। बट कई बार हम जो ज्वेलरी बना के लाते हैं वो 22 कैरेट होती है या फिर कम होती है, ऐसे ना? कभी भी 24 कैरेट, जब भी जो ज्वेलरीज हम बनाते हैं, बनवाते हैं, ठीक है, तो कभी भी हम 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनवाते, गोल्ड ज्वेलरी नहीं बनवाते, हम उससे कम की ज्वेलरी बनाते हैं या फिर 22 कैरेट या फिर 20 कैरेट या फिर उससे कम। सर इसका मतलब क्या हो गया? 24 कैरेट का मतलब होता है प्योर गोल्ड। गोल्ड में 24 कैरेट का मतलब होता है प्योर गोल्ड, यानी उसके अंदर कुछ भी मिलाया मिलाया नहीं है, ये हमारे पास प्योर गोल्ड है, ठीक है। बट जनरली हम जो ज्वेलरीज बनाते हैं